नमस्कार, मैं हूं शिवानी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 17 अक्टूबर, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नज़र सुर्खियों पर। बिहार सरकार का कर्मचारियों के लिए तोहफा, दिवाली से पहले वेतन की खुशखबरी। सरकारी कर्मचारियों को जल्द मिलेगा वेतन। राजस्व विभाग में अधिकारियों की तैनाती, लंबित मामलों को शून्य करने की योजना, ऑनलाइन सेवाओं में सुधार की कोशिश। बिजली बिल में अचानक वृद्धि की समस्या, एक्सेस डिमांड चार्ज का उपभोक्ताओं पर असर, नए उपभोक्ताओं को मिल रही छूट। पंकज त्रिपाठी का रेडियो सफर, धुन बदल के तो देखो शो को करेंगे होस्ट, ऑडियो फॉर्मेट में कहेंगे कहानी। सचिव की बैठक में योजनाओं की समीक्षा, वक्फ संपत्तियों का निबंधन किया गया अनिवार्य, अल्पसंख्यक छात्रावासों को अनुदान। बिहार में मौसम में आया बदलाव, गुलाबी ठंड का हो गया एहसास, 17 अक्टूबर को बिहार में शुष्क रहेगा मौसम। क्रिकेट की दुनिया में नए सितारे, आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज, महिला क्रिकेट में नीतू डेविड का योगदान। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड PGCIL ने ट्रेनी इंजीनियर यानी इलेक्ट्रिकल के 47 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 6 नवंबर 2024 है, जबकि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बीते दिन 16 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। रिक्तियों में 21 पद अनारक्षित, 4 EWS, 12 OBC, NCL और 7 SC के लिए निर्धारित हैं। उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक्स में BE या BTEC या BAC की डिग्री होनी चाहिए, जिसमें न्यूनतम 60% अंक आवश्यक है, जिसके लिए अधिकतम आयु सीमा 28 वर्ष है, लेकिन आरक्षित वर्ग के लिए छूट उपलब्ध है। आवेदन के लिए वेबसाइट www.powergrid.in या EN या job-opportunities पर जाना होगा। आवेदन पत्र में किसी प्रकार की गड़बड़ी से बचने के लिए नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। सभी आवश्यक दस्तावेजों का सही सही विवरण भरकर अंतिम रूप से सबमिट करें। बिहार सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक खुशखबरी दी है। सरकारी कर्मचारियों को अक्टूबर महीने का वेतन धनतेरस और दिवाली से पहले मिलने की तैयारी की जा रही है। इस बार दिवाली 31 अक्टूबर को है और सरकार एक सप्ताह पहले ही वेतन जारी का निर्णय ले रही है। सामान्यतः बिहार सरकार 30 तारीख को वेतन भुगतान करती है, लेकिन इस बार त्योहारों को देखते हुए इसे पहले करने का प्रयास किया जा रहा है। वित्त विभाग के अधिकारियों के अनुसार यह निर्णय त्योहारों के दौरान कर्मचारियों की खुशियों को बनाए रखने के लिए लिया गया है। बिहार में लगभग 8 लाख सरकारी कर्मचारी हैं, जिनमें से 6 लाख स्थायी हैं। हालांकि बोनस का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन जल्दी वेतन मिलने से कर्मचारियों के त्यौहार मनाने का उत्साह बढ़ जाएगा। सरकार जल्द ही इस संबंध में आदेश जारी कर सकती है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने म्यूटेशन और परिमार्जन के लंबित मामलों को हल करने के लिए विशेष कदम उठाने का निर्णय लिया है। मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने निर्देश दिया है कि उन अंचलों में राजस्व अधिकारियों की तैनाती की जाए जहां ये मामले अधिक हैं। अगले 3 महीनों में सभी ऑनलाइन सेवाओं में लंबित मामलों को शून्य करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में अंचल अधिकारियों की बैठक में पटना सदर अंचल को 4 अंचलों में विभाजित करने पर भी चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि भ्रष्टाचार के आरोप में कार्रवाई का सामना करने वाले कर्मचारियों की सूची बनाई जाए। इसके अलावा राजस्व कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण बैच का आयोजन किया जाएगा ताकि ऑनलाइन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हो सके। वहीं राजस्व विभाग का कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक संचालित होगा, जिसमें 8 कर्मियों की तैनाती की जाएगी। बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें 62 नई इकाइयों को उद्योग लगाने की हरी झंडी दी गई है। इन इकाइयों में कुल 2,347.47 करोड़ रुपए का निवेश करने की सहमति प्रदान की गई है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में अब तक 243 इकाइयों को 4,646.57 करोड़ की स्टेज 1 स्वीकृति मिल गई है। प्रमुख कंपनियों जैसे JK सीमेंट, ब्रिटेनिया और पटेल एग्री के नए संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। बैठक में उद्योग सचिव और अन्य उच्च अधिकारियों ने भाग लिया, जो बिहार के औद्योगिक विकास को गति देने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिहार शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों से वित्तीय शक्तियों और प्रशासनिक दायित्वों से संबंधित जानकारी मांगना शुरू किया है। विभाग ने विश्वविद्यालयों की अकादमिक और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक नया ब्लू प्रिंट तैयार किया है। सचिव वैद्यनाथ यादव ने सभी पारंपरिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हर महीने सीधी बैठक करने का निर्देश दिया है, जो प्रत्येक माह के तीसरे शुक्रवार को आयोजित होगी। इन बैठकों में बजट आवंटन, छात्र शिकायत निवारण और परीक्षाओं जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। शिक्षा विभाग ने सूचनाओं में देरी या अस्पष्टता को बर्दाश्त न करने का सख्त रुख अपनाया है, जिससे विश्वविद्यालयों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता को बढ़ावा मिलेगा। युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। नवादा के गवर्नमेंट ITI में बिहार के श्रम संसाधन विभाग द्वारा नियोजन सह व्यवसायिक मार्गदर्शन मेला के तहत एक दिवसीय जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन 18 अक्टूबर को गवर्नमेंट ITI नवादा में किया जाएगा। यह मेला सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा, जिसमें राज्य के सभी जिलों के मैट्रिक समकक्ष एवं उच्चतर डिग्री प्राप्त अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। IPRD ने इसकी जानकारी X के माध्यम से दी है। रजिस्ट्रेशन के लिए आप www.ncs.gov.in पर जाकर अपना आवेदन कर सकते हैं। वहीं विशेष जानकारी के लिए आप 9719693374 पर संपर्क कर सकते हैं। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है, जहां कई उपभोक्ता नए कनेक्शन लेने से परहेज कर रहे हैं। पुरानी प्रीपेड मीटर प्रणाली के उपयोगकर्ता भी अचानक बढ़े हुए हैं बिलों से परेशान हैं, जिसमें एक्सेस डिमांड चार्ज का उल्लेख किया गया है। बिजली कंपनी ने स्पष्ट किया है कि जब उपभोक्ता अपने लोड से अधिक बिजली की खपत करते हैं तो उन्हें अतिरिक्त शुल्क और जुर्माना चुकाना पड़ता है। उदाहरण के लिए, यदि आपने 1 किलोवाट का कनेक्शन लिया है लेकिन 2 किलोवाट का उपयोग किया तो आपको 1 किलोवाट पर 80 का फिक्स्ड चार्ज देना होगा। इसके अलावा 1 किलोवाट के अतिरिक्त उपयोग पर आपको 2 गुना जुर्माना लगाया जाएगा, यानी 160 रुपये। इस प्रकार आपके बिल में कुल 240 रुपये का इजाफा हो जाएगा। कंपनी ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि वे अपने लोड का ध्यान रखें। वही स्मार्ट मीटर के नए उपभोक्ताओं को पहले 6 महीने तक एक्सेस डिमांड चार्ज से छूट दी जाएगी और उन्हें SMS द्वारा लोड बढ़ने की जानकारी भी मिलेगी। बिहार के शिक्षा विभाग ने 5 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की है। बांका, जमुई, पटना, सहरसा और सिवान के DEO ने कर्मियों के वेतन और मानदेय भुगतान में लापरवाही बरती है, जबकि उन्हें बार बार निर्देश दिए गए थे। अपर सचिव संजय कुमार ने इस संबंध में पीत पत्र लिखा है। बता दें कि सितंबर माह के वेतन भुगतान की समीक्षा 8 अक्टूबर 2024 को की गई, जिसमें कुछ जिलों के कर्मियों का वेतन मानदेय भुगतान लंबित था। लिहाजा संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारियों को 9 अक्टूबर तक हर हाल में भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। 15 अक्टूबर को हुई बैठक में भी यह स्थिति बनी रही, जिसके चलते इन अधिकारियों को जिम्मेदार मानकर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। बिहार सरकार ने बालू खनन के लिए नई नियमावली स्वीकृति की है, जिसके तहत अवैध बालू खनन के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए हैं। अब अवैध खनन और परिवहन पर आर्थिक जुर्माना और 5 साल तक की कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है। वहीं खान व भूतत्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बालू घाटों की निगरानी हेलीकॉप्टर और ड्रोन के माध्यम से की जाएगी। नई नियमावली में वाहन चालकों के लिए भी राहत दी गई है। वैध चालान से 5% अधिक खरीद मात्रा पर केवल अंतर की मात्रा के शुल्क लिया जाएगा। इसके अलावा जल संसाधन विभाग की अनुशंसा पर नदियों के प्रवाह में सुधार के लिए भी कदम उठाए जाएंगे। बिहार का वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 21 अक्टूबर से नए पर्यटन सत्र के लिए तैयार है। प्रशासन ने सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली हैं, ताकि देशी विदेशी पर्यटक जंगल सफारी का आनंद ले सकें और वन्य जीवों को देख सकें। इस वर्ष 2 और 3 दिवसीय टूर पैकेज की पेशकश की गई है, जिसमें ठहरने, भोजन और पर्यटन केंद्रों की यात्रा शामिल है। उदाहरण के लिए, पटना वाल्मीकि नगर के लिए 2 दिवसीय पैकेज, मुजफ्फरपुर के रास्ते 13 व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 3500 रुपये, 16 व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 3900 रुपये, 6 व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति 4500 रुपये निर्धारित है। वहीं पटना वाल्मीकि नगर के लिए 2 दिवसीय पैकेज वैशाली के रास्ते क्रमशः प्रति व्यक्ति 4800 रुपये, 5100 और 5500 रुपये हैं। पटना मंगुराहा 2 दिवसीय टूर पैकेज 6 व्यक्ति 13 और 16 व्यक्तियों के लिए प्रति व्यक्ति क्रमशः 4100, 3200 और 3500 रुपये हैं। पिछले 5 वर्षों में पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2023-24 में शुल्क सहित
1,67,521 और निःशुल्क 1,54,550 पर्यटक पहुंचे। वन संरक्षक डॉक्टर नेशामनी ने सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी न होने दें। VTR की बढ़ती लोकप्रियता इसे एक प्रमुख पर्यटक स्थल बना रही है। अभिनेता पंकज त्रिपाठी, जो मिर्जापुर, गैंग्स ऑफ वासेपुर और मसान जैसी फिल्मों के लिए मशहूर हैं, अब रेडियो होस्ट बनने जा रहे हैं। वे बिग FM के शो धुन बदल के तो देखो सीजन 3 में पहली बार इस भूमिका में नजर आएंगे। पंकज त्रिपाठी ने अपने उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि यह शो महत्वपूर्ण विषयों पर विभिन्न दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है और वे ऑडियो फॉर्मेट में कहानी कहने की शक्ति को तलाशने के लिए उत्सुक हैं। पिछले 2 सीजनों में विद्या बालन और सदगुरु जैसे होस्ट रह चुके हैं। पंकज त्रिपाठी हिंदी सिनेमा के प्रमुख अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्हें 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुके हैं। YouTube ने अपने शॉर्ट्स फीचर में बीते दिनों महत्वपूर्ण अपडेट की घोषणा की है। अब क्रिएटर्स को 3 मिनट तक की वीडियो अपलोड करने की अनुमति मिलेगी, जिससे वे अधिक रचनात्मकता दिखा सकेंगे। ये वीडियो वर्टिकल या स्क्वायर एस्पेक्ट्स रेशियो में होंगे और शॉर्ट्स रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल के लिए योग्य होंगी। हालांकि क्रिएटर्स को शॉर्ट्स कैमरा का उपयोग करके 3 मिनट की वीडियो बनाने की अनुमति नहीं होगी, उन्हें YouTube स्टूडियो के माध्यम से अपलोड करना होगा। इसके अलावा कॉपीराइटेड सामग्री वाले शॉर्ट्स को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे मुद्रीकरण के लिए अयोग्य होंगे। यह नया फीचर क्रिएटर्स के लिए कमाई के नए अवसर खोलेगा। अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने वक्फ बोर्ड से जुड़ी संपत्तियों का निबंधन अनिवार्य कर दिया है और वक्फ विकास योजना के तहत प्रबंध समिति के गठन का निर्देश दिया है। बीते दिन सचिव मोहम्मद सोहेल की अध्यक्षता में हुई बैठक में बहुउद्देशीय भवन के निर्माण और छात्रावास योजनाओं की समीक्षा की गई। छात्रावासों में रहने वाले छात्रों को प्रतिमाह 1,000 रुपये अनुदान और 15 किलोग्राम खाद्यान्न का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। सचिव ने उन जिलों में भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजने के लिए कहा जहाँ छात्रावास के लिए भूमि नहीं है। वहीं पंचायती राज विभाग ने मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की धीमी रफ्तार पर संबंधित एजेंसियों को फटकार लगाई और कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उत्तर बिहार में इस योजना की प्रगति की समीक्षा की गई, जहां कई जिलों में काम धीमा है। दक्षिण पश्चिम मानसून प्रदेश में लौट चुका है, इसके साथ ही हवाओं ने दिशा बदलना शुरू कर दिया है। अब तक राज्य में दक्षिण पश्चिमी हवाओं का प्रभाव ज़्यादा देखा जाता था, लेकिन मौसम की करवट बदलने के कारण अब उत्तर पश्चिमी हवाओं ने सिसकना शुरू कर दिया है। हवाओं की दिशा में बदलाव होने के कारण मौसम में भी बदलाव देखा जा रहा है, जिसके बाद बिहारवासियों को गुलाबी ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग पटना के अनुसार 17 अक्टूबर यानी आज बिहार के अधिकतर जिले में मौसम शुष्क रहने वाला है। मौसम विभाग द्वारा आज के लिए कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। वहीं अधिकतर जिले में आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। सारण जिले में मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर लिखे जाने तक जहरीली शराब से मौतों की संख्या बढ़कर 3 हो गई थी, जबकि प्रशासन ने 2 मौतों की पुष्टि की है। मशरक में इस घटना के बाद 3 अन्य लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जहां कुल 6 मरीजों का इलाज चल रहा है। इसके बाद सिवान में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भगवानपुर थाना प्रभारी और 2 चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। सिवान के DA मुकुल कुमार गुप्ता ने बताया कि सदर अस्पताल में एक मेडिकल टीम का गठन किया गया है और बसंतपुर CHC को तैयार रखा गया है। उन्होंने 4 मौतों की पुष्टि की और कहा कि पटना से मद्य निषेध विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची है। कुछ संदिग्धों को चिन्हित किया गया है, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय रेल मैनुअल के अनुसार यात्री को उसी क्लास के कोच में यात्रा करनी चाहिए जिसका टिकट उसने खरीदा है। हालांकि एक विशेष प्रावधान के तहत यदि किसी यात्री की पत्नी फर्स्ट AC में सफ़र कर रही है और वह अपना और अपने बेटे का सेकेंड AC में टिकट कराता है, तो उसका बेटा रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक अपनी माँ के साथ फर्स्ट AC में सफ़र कर सकता है। रेल मैनुअल के अनुसार फर्स्ट AC के कूपे में 12 वर्ष से कम उम्र का बच्चा माँ के साथ सफ़र कर सकता है, लेकिन इसमें शर्त है कि कूपे में दोनों महिलाएं ही होनी चाहिए। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की हालिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 15 से 29 साल के 31.9% युवा शिक्षा और रोजगार से वंचित हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 25.4
6% है। बिहार इस मामले में देश में तीसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश और ओडिशा क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। विशेष रूप से किशोरियों की स्थिति देश भर में गंभीर है, जहां 56.7% युवा शिक्षा, रोजगार और प्रशिक्षण के क्षेत्र से बाहर हैं, जिसमें पुरुषों में यह आंकड़ा देश भर में 9.5% है, जबकि महिलाओं में यह प्रतिशत 44.6 है। वहीं बिहार के 15 से 24 साल के आयु वर्ग में 28.1% लोग, जिसमें 11.2% पुरुष और 47.7% महिलाएं किसी भी शिक्षा या रोजगार से जुड़े नहीं हैं। सर्वे में यह भी पाया गया है कि बिहार के 8.1% युवा सरल वाक्य पढ़ने लिखने में भी असमर्थ हैं, जिसमें 94.7% पुरुष और 11.3% महिला शामिल हैं। यह सर्वे साल 2022-23 में किया गया है। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए बिहार को अभी लंबा रास्ता तय करना है। नवादा के वारसलीगंज में पुलिस ने साइबर क्राइम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एसपी कार्यालय में साइबर डीएसपी प्रिया ज्योति ने बताया कि इन युवकों ने विभिन्न कंपनियों के नाम पर लोगों से ठगी की। आरोपियों ने दीपावली के मौके पर विशेष ऑफर्स का झांसा देकर आम लोगों को ठगा। पुलिस ने उनके पास से 13 मोबाइल और 56 पन्नों का डेटा शीट बरामद किया, जिसमें ठगी का शिकार हुए ग्राहकों के नाम और विवरण थे। ये लोग ठगी करने के बाद नामों के आगे टिक मार्क लगाते थे, जिससे उनके साथियों को अगले शिकार की जानकारी मिल जाती थी। मास्टरमाइंड अब भी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी जल्द ही होगी। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने अनुकंपा नियुक्तियों का इंतजार कर रहे लोगों को खुशखबरी दी है। उन्होंने बताया कि 6,430 अनुकंपा पदों पर नियुक्तियों का रास्ता साफ हो गया है और ये जल्द ही पूरी की जाएंगी। वित्त रहित अनुदान के संबंध में उन्होंने कहा कि जो योग्य हैं उन्हें अगले सप्ताह अनुदान मिल जाएगा। गेस्ट टीचर के मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, लेकिन शिक्षकों की मांगों पर विचार किया जाएगा। शारीरिक शिक्षक और स्वास्थ्य अनुदेशकों की नियुक्तियों पर भी चर्चा की गई और शिक्षा विभाग में कई नौकरियां दी गई हैं, जिनमें बीपीएससी और अनुकंपा के माध्यम से नियुक्तियां शामिल हैं। बिहार विधानसभा की 4 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए एनडीए में सीट बंटवारा हो गया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि रामगढ़ और तरारी सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार होंगे, जबकि बेलागंज में जदयू और इमामगंज में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। दिलीप जायसवाल ने तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा का भी जिक्र किया, यह कहकर कि जब बिहार की जनता बाढ़ से जूझ रही थी तब तेजस्वी यादव छुट्टी मना रहे थे। उन्होंने शराबबंदी के मुद्दे पर भी कहा कि कुछ घटनाओं के आधार पर इसे फेल कहना गलत है और नीतीश कुमार का शराबबंदी का फैसला सही है। सभी पार्टियों की मीटिंग में उम्मीदवारों का चयन होगा। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अपनी कार्यकर्ता संवाद यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत बांका से की। इस दौरान उन्होंने सीएम नीतीश कुमार और एनडीए सरकार पर तीखा हमला बोला, विशेषकर स्मार्ट मीटर को लेकर। तेजस्वी यादव ने कहा कि स्मार्ट मीटर स्मार्ट चीटर है, जिससे बिहार में बिजली की कीमतें सबसे अधिक हैं। उन्होंने कानून व्यवस्था पर भी चिंता व्यक्त की, यह कहकर कि हत्या, लूट और अन्य अपराध बढ़ रहे हैं, लेकिन पीड़ितों को न्याय नहीं मिल रहा है। उन्होंने नीतीश कुमार पर आरोप लगाया कि वे अब बिहार नहीं चला सकते। तेजस्वी यादव ने केंद्र सरकार पर भी हमला किया और यह आरोप लगाया कि वे नफरत फैला रहे हैं और आरक्षण के खिलाफ हैं। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान एलिस्टर कुक, साउथ अफ्रीका के एबी डिविलियर्स और भारतीय महिला क्रिकेटर नीतू डेविड को बीते दिन 16 अक्टूबर को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। कुक 113वें, डेविड 114वें और डिविलियर्स 115वें खिलाड़ी बने। कुक ने 250 से अधिक मैच खेले और 2018 में इंग्लैंड के सबसे ज्यादा टेस्ट रन बनाने वाले खिलाड़ी के रूप में संन्यास लिया। नीतू डेविड, जो ओडीआई में 100 विकेट लेने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर हैं, उन्होंने 2005 में आईसीसी महिला वर्ल्ड कप में शीर्ष विकेट लेने वाली बनी। एबी डिविलियर्स ने 14 साल के करियर में 20,000 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय रन बनाए और कई रिकॉर्ड बनाए। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1870 में कलकत्ता बंदरगाह को एक संवैधानिक निकाय प्रबंधन के तहत लाया गया। 1979 में मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 1892 में आर के शनमुखम चेट्टी, राजनीतिक एवं स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री का जन्म हुआ था। 1923 में शिवानी, सुप्रसिद्ध उपन्यासकार का जन्म हुआ था। 1929 में चंद्रशेखर रथ, ओडिशा के सुप्रसिद्ध कथाकार व साहित्यकार का जन्म हुआ था।
1955 में अस्मिता पाटिल हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री का जन्म हुआ था। 1970 में अनिल कुंबले भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी और 1973 में भगवंत मान भारतीय राज्य पंजाब के वर्तमान मुख्यमंत्री का जन्म हुआ था। वहीं आज ही के दिन 2018 में अरुण भादुड़ी प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक, आज के ही दिन 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता उन्मूलन दिवस, राष्ट्रीय विधिक सहायता दिवस, विश्व आघात दिवस के तौर पर मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते यानी डीए में 3% की वृद्धि की घोषणा की है, जिसके बाद यह 53% हो गया है। इस बढ़ोतरी का लाभ 1 जुलाई 2024 से मिलेगा और इससे कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी होगी। पहले कर्मचारियों को 50% डीए मिल रहा था, जिसे इसी साल मार्च में 4% बढ़ाकर 46% से 50% किया गया था। अब उदाहरण के लिए यदि किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 55,200 रुपये है तो उनका डीए 27,600 रुपये से बढ़कर 29,256 रुपये हो जाएगा, जिससे सैलरी में 1,656 रुपये का इजाफा होगा। इसके अलावा कर्मचारियों को 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। इसके तहत कर्मचारियों को मिलने वाले अक्टूबर की सैलरी में जुलाई, अगस्त और सितंबर महीने का एरियर भी जुड़कर आएगी, जिससे दिवाली पर उन्हें एक बड़ी रकम मिलेगी। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू ने जुलाई सत्र के लिए एडमिशन की रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 31 अक्टूबर 2024 तक बढ़ा दी है। इच्छुक उम्मीदवार इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट ignu.ac.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया में पहले नई रजिस्ट्रेशन लिंक पर क्लिक करना होगा, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दर्ज करके रजिस्टर करना होगा। इसके बाद उम्मीदवार को एप्लीकेशन फॉर्म भरना, अपने पसंद के कोर्स का चयन करना और फीस का भुगतान करना होगा। आवश्यक दस्तावेजों में स्कैन की हुई पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और अन्य संबंधित दस्तावेज शामिल हैं। उम्मीदवारों को ध्यान देना चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर का साइज 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, जबकि अन्य दस्तावेज 200 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सभी जानकारी को ध्यान से पढ़ने की सलाह दी गई है। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे ज़रूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में ITU विश्व दूर संचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन डी चिराग पासवान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। दूसरा सवाल है, हाल ही में बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए अभिषेक रंजन, ऑप्शन बी रमेश कुमार गर्ग, ऑप्शन सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता, ऑप्शन डी रेखा मेहता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता। तीसरा सवाल है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए फारूक अब्दुल्ला, ऑप्शन बी अमर अब्दुल्ला, ऑप्शन सी महबूबा मुफ्ती, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी अमर अब्दुल्ला। चौथा सवाल है, बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन ए 10 अगस्त 1937, ऑप्शन बी 14 नवंबर 1931, ऑप्शन सी 10 दिसंबर 1937, ऑप्शन डी 17 अक्टूबर 1937। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 17 अक्टूबर 1937। आज का 5वां सवाल है, पटना में नमक सत्याग्रह कब हुआ? ऑप्शन ए 7 अप्रैल 1930, ऑप्शन बी 8 अप्रैल 1930, ऑप्शन सी 19 अप्रैल 1930, ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1930। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 16 अप्रैल 1930। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है गोनर शर्मा, रवि मोहन वर्मा, राजीव कुमार, उमेश ऋषिदेव, अनवर करीम खान, राम सागर पासवान, संजीव कुमार, नरेश राम, राम बाबू दास, मोहम्मद शाकिर हुसैन, जुबैर आलम, सोनू कुमार, अतीक खान, प्रिंस कुमार, मोतीलाल कुमार, छोटू राजा, सालू कुमारी, रविशंकर, रवि कुमार राम।
इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि आप स्थानीय प्रशासन के प्रति कितना संतुष्ट हैं। आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप Facebook पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।